आपने प्रोग्राम किया डिप्रेशन एंड एंजाइटी रिलेटेड, सो जरा एक बताइए कि किस प्रॉब्लम रिलेटेड आप आए थे, कैसा और फिर हमारा सफर रहा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखे आप अपनी, सो कैसा रहा वो पूरा सफर एक बार जरा बताइए, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मुझे फर्स्ट लॉकडाउन जब भी हुआ ना तो मुझे थोड़ा सा अचानक रात को 2-2:30 बजे ऐसा एंजाइटी आया। एंजाइटी आने लगा तो मैं कुछ सो नहीं पा रहा था ठीक से, ना तो बैठ पा रहा था। फिर दूसरे दिन है ना सर, मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास उन्होंने बोला कि भाई आपको नींद कम आ रही है तो आपको नींद की दवाई देता हूँ और दूसरी भी मेडिसिन देता हूँ। बोला ठीक है सर दो। तो डॉक्टर के पास से मैंने मेडिसिन ली, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं साइकेट्रिक्स जो रहते ना उनके पास गया, स्पेशलिस्ट के पास गया। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा लग रहा है, ऐसा है आपको, आपका बिहेवियर जो भी है वो ऐसा लग रहा है कि आपको ये है एंजाइटी और ये डिप्रेशन। फिर बाद में उन्होंने दवाई दी और बोला कि ये आप कंटिन्यू रखो। बोला ठीक है। फिर मैंने 1-1.5 साल तक मैंने कंटिन्यू इस दवाई खाई। इन बिटवीन में काउंसलिंग भी 1-2 जगह पे किया कि भाई मुझे कुछ दवाई ना खानी पड़े तो बेटर है कि भाई मैं काउंसलिंग करूं। तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में आपसे मुलाकात हुई तो मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया तभी मेरी दवाई चालू थी। आपके साथ जब मेरा प्रोग्राम था ना तभी मेरी दवाई चालू थी। दवाई से क्या होता था कि मैं काफी टाइम तक सोया रहता था। सवेरे 10-11 बजे तक मैं सोता ही रहता था और बॉडी में है ना वो मूवमेंट नहीं रहती थी। बॉडी में है ना मेरा जो भी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं होती थी। जी जी। तो मैं बोला ठीक है। फिर बाद में आपसे 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन ऐसा सब किया तो मुझे है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस ये आ गया कि ये माइंड गेम है और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये दवा से ही ठीक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको है ना जो आपके मन के अंदर जो बैठा हुआ है वो सिर्फ आप समझा सकते हो। यानी आपने जो जिस तरीके से समझा ना तो वो मन में कोई एक टाइप का घर कर गया है आपका जो भी है कि भाई वो छुप के बैठा है उसको ढूंढना है। तो सर आपने वो चीज मुझे ढूंढ के दी कि देखो इस तरीके से ये जो गुत्थी मेरे साथ लाइफ में हो गई थी ना कि भाई मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये गुत्थी है ना सर आपने सुलझाई है और आपने इस तरह से सुलझाई कि मेरे आज की तारीख में है ना सर मैं रात में थोड़ा लेट सोता हूँ ठीक है, लेकिन मैंने मेरी जो दवाई थी दवाई मैंने बंद कर दी और सबसे बेस्ट पार्ट हो गया सर आपके सेशन के बाद में। आपके सेशन के बाद में है ना सर मैंने अपनी दवाइयां बंद कर दी। दवाइयां बंद, हाँ। और सर दवाई बंद करने से फायदा क्या हो गया है कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा बात करने का तरीका है और वो है ना थोड़ा फ्लुएंट हो गया। और आपने जिस तरीके से मुझे टैपिंग करने बोला था और दूसरी सारी एक्सरसाइज करने बोली थी तो वो है ना मैं फेथफुली आप पे, यानी कि भाई आप पे बहुत विश्वास रख के मैंने काम किया तो मैं सक्सेस हो गया। अभी कोई पूछता है कि ये टैपिंग क्या है वो क्या है तो मैं वो नहीं मानता। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है तो कुछ समझ के देता होगा दवाई कि भाई ये दवाई लेने से आपका बुखार चले जाएगा वॉट एवर जो भी है। तो ये जो माइंड गेम का जो डॉक्टर आप है ना तो सर आपसे है ना फायदा ये हो गया कि विजन एकदम क्लियर हो गया। विजन है ना काफी बहुत क्लियर हो गया। पिक्चर है ना जो धुंधला था ना वो साफ हो गया। तो काफी मुझे अच्छा, हाँ काफी अच्छा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना जो भी आप बोलेंगे वो विश्वास रख के अगर करेंगे ना तो 100% इसमें से निकलना ही है।
जी 100 आपकी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कि कैसे निकलना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि साइंटिफिकली कि कैसे होता है, कि माइंड गेम क्या चल रहा है पीछे आपको, और वो समझ आता है कम्युनिकेट जो मैं करता हूँ एक्सरसाइजेस के थ्रू या जो हम बात करते हैं, तो वो आपको सिंक्रोनाइज होता है कि यस ऐसे ही काम कर रही है चीजें और बैकग्राउंड में अगर ऐसे कर रहा है तो मैं निकल सकता हूँ इससे, तो वो हेल्पफुल रहती है। जी परफेक्ट बोल रहे। और है ना सर, ये जो जो ये इसमें से गुजरता है ना, उनको समझने वाला है ना बहुत कम लोग है। कम लोग इन द सेंस के जो भी हमारा सवाल है ना, वो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई सामने वाले को क्या तकलीफ है। जबकि है ना काफी जने को अगर हम बताते ना हमारा प्रॉब्लम, तो क्या है टेम्पररी बोलेगा कि भाई तू शायद क्या बोल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप है ना बखूबी उसको समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि यार तू ज्यादा सोच रहा है, नेगेटिव थॉट्स में मत ले ज्यादा, आप पॉजिटिव ज्यादा सोचो, उस टाइप की एडवाइसेस मिलती होंगी, बट ये नहीं बताते कि कैसे निकलूं इससे, पॉजिटिव कैसे लूं, जब नेगेटिव आ रहा है बार बार तो पॉजिटिव में कैसे आ जाऊं। एग्जैक्टली सही बराबर जी बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलिए रुपी जी। और दूसरा क्या सर कि जो भी आपने बताया था जो टैपिंग है, और टैपिंग है ना सर काफी अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप सवेरे फ्रेश होके अगर टैपिंग करने बैठेंगे ना हाफ एन आवर, तो सर मैं तो है ना टैपिंग में ही बाहर निकल गया हूँ। मैं बोलता हूँ वो अपने आप में एक पूरी थेरेपी है जी, पूरा बहुत बढ़िया है वो। यस और एक्सरसाइज भी अच्छी है, बट वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है और बहुत ही क्विक रिजल्ट्स देती है। राइट जी। और सर बॉडी को है ना वो टैपिंग, दूसरा फायदा ये हो गया सर कि मैं पहला भूख लगती थी लेकिन खाने दिल नहीं करता था सर, लेकिन जब से मैं टैप किया तो मेरा सर खाना भी ज्यादा हो गया और खाने की रुचि भी बढ़ गई सर, खाने की रुचि बढ़ गई और मैं अच्छे से खाना खाता हूँ सर, पहले ऐसा नहीं। एंजाइटी निकल गई है जी सर। जब एंजाइटी आएगी तो आपको फिर और जगह और चीजों पर मजा ही नहीं आएगा, ना फोकस रहता है, वो पूरा फोकस अपने ऊपर ले लेती है, इस वजह से अब आपको और चीजों में भी रुचि आने लगी है, काम भी आप जैसे आप कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आप लोगों के साथ भी मिल रहे हैं, बाहर वाइफ के साथ, अपनी बेटे के साथ जैसे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा सर आपको करके। हाँ जी ओके विपिन जी, आई थिंक इट वॉज अ फैंटास्टिक जर्नी। आप लोग और जो आपके ग्रुप में भी थे तो वो भी लोग बहुत ही बढ़िया, एंड वी एंजॉयड अ लॉट, साथ साथ हमने काम भी किया, सो मजा आया, एंड इट वॉज रियली एक्साइटिंग टू सी योर फैंटास्टिक एनर्जी जो आप 100% हर चीज में देते हैं, तो वो मजा आया पूरा करके मुझे भी आप लोगों के साथ काम करके। बोलिए से पहले मैं है ना एक जगह गया था कि मुझे काउंसलिंग करना है, तो सर ये काउंसलिंग का जो भी है ना आज की तारीख में है ना लॉकडाउन के बाद ये पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन है ना सर इसके है ना लूटने वाले भी बहुत है, लूटने वाले ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन है ना ये एक सेशन के लिए है ना सर 3,000-3,500 2,500 इस तरह से लेते हैं, और वो भी हाफ एन आवर। लेकिन सबसे बेस्ट, मैंने तो पूरा सर्वे किया है, सबसे कोऑपरेटिव है वो आप और सबसे रीजनेबल हो आप। थैंक यू सर। सो विपिन जी थैंक यू वेरी मच आपके थॉट्स के लिए, आपके सजेशंस के लिए, और हमें और मोटिवेट करने के लिए कि और लोगों को भी मदद कर सके, और लोगों तक हम पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, चलिए आपस में बात होती रहेंगी और मिलते हैं फिर। ठीक है जी, धन्यवाद।